अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी दोस्तों, आज मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना था, तो मैंने सोचा था थोड़ा जो है ना मेकअप जो भी यूट्यूब से सीखा है मैंने वो कर लूँ, क्योंकि जब पार्लर का टाइम था तो हम लोग इस तरह से मेकअप नहीं किया करते थे जब हम लोगों ने सीखा था। ओके जी, सबसे पहले मैंने वैसलीन ले लिया, ये लोशन है वैसलीन का, उसके साथ जो है मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया। हालांकि जब पहले हम मेकअप किया करते तो इतने सारे जो ताम झाम थे वो बिल्कुल भी मेकअप में नहीं होते थे, सिंपल सी बेस अप्लाई होती थी, आई मेकअप होता था, लिपस्टिक लगी एंड डन हो गया। लेकिन आज के दौर में ये सब कुछ होता है कि पहले स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए, उसके बाद मैंने लिप को मॉइस्चराइज किया। ये स्टेल मिन्स की जो है वो जेल है, उसके साथ मैंने लिप्स को मॉइस्चराइज किया। टिंट मैंने पहले ही लगा लिया था, लेंस भी मैंने पहन लिए लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है। उसके बाद एपीके का मैंने जो है प्राइमर अप्लाई किया अपनी स्किन पर। ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये एक जो जेल टाइप होते हैं तो वो लिक्विड भी होते हैं, ये लिक्विड जैसा नहीं है, क्रीमी टेक्स्चर है। उसके बाद मिस रोज़ का ये फेयर मेरे पास पड़ा हुआ था फाउंडेशन का, तो मैंने ये अप्लाई कर लिया। एक आंख पे जो था ना वो ब्रश में थोड़ा सा पिंक लगा हुआ था तो एक आंख पे पिंक लग गया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको जो है ना सेट कर लिया। लेंस लगाना बहुत मुश्किल होता है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे नहीं लगाते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुझे धुंधला दिख रहा था। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैंने सेट कर लिया अपना फाउंडेशन, और मेरे पास ये पुरानी एक फेसेट वालों की आई शेडो किट पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आई मेकअप उसी से कर लेती हूँ। अपने जिस कलर का मैंने सूट पहना था उसी कलर का एक शेड मैंने पिक किया और जो है अपनी आंखों पर उसको लगा लिया, और उसके बाद जो है गोल्डन शेड लिया और जो है आंखों के बिल्कुल मिडिल में मैंने उसको हल्के हल्के से लगा लिया। अच्छा, लाइट आ रही थी जा रही थी तो कुछ जो है ना रोशनी कभी तेज़ हो रही है कभी कम हो रही है, और मैं मोबाइल में घुस के बना रही थी, मेरे पास कोई आईना भी नहीं था, तो जो भी मेकअप किया है मैंने मोबाइल में देख देख कर किया है, तो ये फिर मैंने इसमें लगा लिया। अब उसके बाद जो है मैंने मस्कारा जो था मैंने सोचा कि पहले वो अप्लाई कर लूँ, क्योंकि मुझे था कि मैं लैशेस लगाऊँ ना लगाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली मैंने सोच लिया कि चलो मैं लैशेस भी लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो है ना मैंने मस्कारा लगा कर अपने लैशेस को जो है वो सेपरेट कर लिया। मस्कारा जो होता है, मेरी लैशेस जो है ना वैसे भी इतनी छोटी नहीं है, बड़ी है। ये लैशेस जो थी ये मेरे पास बहुत वक्त की पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इनको अप्लाई कर लेते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले मैंने अपने रिवाज की पेंसिल लेकर, आईब्रो पेंसिल लेकर अपने आईब्रो को जो है वो सेट कर लिया डार्क ब्राउन शेड के साथ। अच्छा, आईब्रो को सेट कर रही थी तब तक मैंने, अच्छा तब तक क्या किया मैंने कि क्रिस्टीन की जो लैश ग्लू होती है उसके साथ जो है लैशेस को लगाकर उसको 30 सेकंड्स के लिए, मैंने सुना था अकॉर्डिंग टू यूट्यूब तो उसमें आप लगा के छोड़ दो, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं आईब्रो को जो है फिल कर लूँगी तब तक जो है मेरी जो लैशेज होंगी वो अच्छे तरीके से सही हो जाएंगी। उफ, ये लेंसेज मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, अगर रेगुलर यूज़ में कभी पहनने पड़े या फिर कभी पहनने पड़े तो आई नेवर एवर यूज़ देम। अच्छा जी, ये मैंने आईब्रो जो है वो फिल कर लिया, और उसके बाद क्ली ब्रश ले लिया और उसके साथ अपने आईब्रो जो है वो मैंने सेट कर लिए थे। एक्चुअली इस तरह से सामने बैठकर कैमरा में देखकर मेकअप में फर्स्ट टाइम कर रही थी तो मे भी कुछ गलत भी हो जाए। ओके जी, ये मैंने लगा लिया और ये देखे मेरे आंसू बह रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने अपना काजल ले लिया, काजल लेने के बाद मैंने आंखों में काजल डाल दिया, क्योंकि अगर मेरे आंखों में काजल ना हो तो मेरा मेकअप जो है वो कंप्लीट नहीं आता। ओके जी, अब क्या करना है, ये मैंने काजल दी वाला यूज़ किया था। ओके, अब मैंने लैशेस लगा ली, लेकिन लैशेस मुझसे जो है ना सही तरीके से लगी नहीं। मैं दूसरों के तो लगा लेती हूँ लेकिन खुद की लैशेस मुझसे थोड़ी मुश्किल से लगती हैं, लेकिन फिर भी मैंने लगा ली, सेट कर लिया, और उसके बाद मस्कारे से जो मेरी रियल लैशेस थी उनको और जो मैंने फेक लैशेस लगा दी थी उनको जो है मिक्सअप कर लिया। उसके बाद उसी फाउंडेशन से मिस रोज़ के मैंने अपना बकाया मेकअप कर लिया पूरे स्किन पर, जो भी मेरे चेहरे का हिस्सा बचा हुआ था आईज़ को छोड़कर। मैंने पहले अपने चेहरे पर हल्के हल्के से वो फाउंडेशन लगा ली और उसके बाद जो है इसको अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंडिंग में इसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया लेकिन खैर है। उसके बाद पाउडर लिया मैंने और अपनी जो बेस लगाई थी उसको मैंने फिक्स कर लिया। ये ग्लैम गर्ल वालों का ये न्यू मेकअप किट आया है। अच्छा, इसमें आपको तीन चार चीज़ें मिलेंगी, कॉन्टोर भी मिलेगा, हाइलाइटर मिलेगा, और उसके अलावा आपको जो है ये ब्लश भी मिलेगा। तो मैंने ब्लश जो है इनका थोड़ा सा उंगली पे लेकर अपनी स्किन पर जो है वो अप्लाई कर लिया, और उसके बाद जो है ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको जो है अपनी स्किन पर सही कर लिया। लास्ट आ जाता है लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए पहले मैंने आउटलाइन बनाई। अच्छा, ये पूरा मेकअप ऐसे ही किया है मैंने जैसे यूट्यूब पे सिखाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से उसके बाद मैंने जो है लिपस्टिक लगा ली। असल में मैं ऐसे मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती, तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। बहुत ही मैं अपने आप को अजीब लग रही थी क्योंकि आम दिनों में मैं इस तरह से जो है ना मेकअप नहीं करती, तो जाते वक्त जो लैशेस थी वो मैंने निकाल दी थी क्योंकि लैशेस मुझे बहुत आंखों में मुश्किल करवा रही थी। लेकिन असल में कराती नहीं है, लेकिन मुझे, मैंने खुद लगाई थी ना, वैसे मैं अपनी किसी स्टूडेंट वगैरह को कहती हूँ तो वो लगा देती है तो मुझे ईजी रहता है, लेकिन अब अगर मुझे मेकअप वगैरह करना है यूट्यूब पर तो मुझे खुद लगाने के लिए थोड़ी सी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। फाइनली ये मेरा फाइनल लुक था, और यूट्यूब का मेकअप इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। वैसे मुझे बहुत डर था कि यार नहीं सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल लुक जो था वो बहुत अच्छा आया था। मुझे सबने कहा था, अप्रिशिएट भी किया था कि आप आज चेंज लग रही हो, और लुक चेंज करने के लिए हम लोग क्या कुछ नहीं करते। बालों को मैंने वैसे ही खुला छोड़ दिया था, ज्वेलरी मैंने कोई और पहनी नहीं थी। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।